हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये जो मूली का साग होता है ना, यकीन मानिए इसकी सब्जी इतनी जायकेदार होती है, बस बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका पता होना चाहिए। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। पसंद आ जाए ना तो फिर अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आए लाइक तो बनता ही है। फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसको बनाने के लिए बहुत ताम झाम तो कोई जरूरत नहीं है, बस फटाफट से ऑयल गर्म करना है। हमने एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया, उसमें 3-4 लाल साबुत मिर्च छोटी छोटी काट ली और 1/2 टीस्पून जीरा। अच्छा, यह होता क्या है, मिर्च को अगर तोड़ लेते हैं ना, बीच से काट लेते हैं, तो ये ऑयल का जो जायका है ना वो अंदर पहुंच जाता है। जब सब्जी खाओ तो मिर्च तोड़ के खाओ तो ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, फिर करना ये है, ये जो साग है कटा हुआ इसको डाल देना है। मूली का साग अच्छे से धुल लिया था, बीनकर साफ कर लिया था और बारीक काट लेना है। फिर उसी के साथ यहाँ लिया है हमने साग जो था वो था 1 kg, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ दाल लिया। बस एक मुट्ठी भर के, हाथ की जो मुट्ठी बनाता है ना वो भर के काली दाल, 3 हरी मिर्च जिसको फाइन चॉप कर लिया और साथ में हमने नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। अब करना यह है सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि हाई फ्लेम पर हम बनाएंगे इसको पतीली में। और आप चाहे तो प्रेशर कुकर में बना लें अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर आप बचत करना चाहते हो अपने टाइम की, तो आप बस 2 विसल लगाएं उसके बाद। और हाँ, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। फिर उसके बाद फटाफट से इसको भून लेना है, पानी एकदम खुश्क कर देना है, तब देखिएगा कितना बढ़िया जायका आएगा। तो भाई जो जायका है ना वो इसी से आने वाला है। सबसे पहले इसको अच्छे से पका लो, पानी खुश्क हो जाए, दाल गल जाए। दाल अगर नहीं गले तो इसे लो फ्लेम पर रख दो, अगर पतीली में बना रहे हो बीच बीच में चलाते रहो। और उसके बाद बस इसको इतना खुश्क कर दो, इसमें एक बूंद पानी नहीं रहना चाहिए, बढ़िया से भून लो। और उसके बाद एकदम बनकर ये परफेक्ट तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।